हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया चाय और साथ में बनाया प्याज के पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से आप भी नाश्ते के लिए बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया। इसमें हम डालेंगे गेहूँ का आटा, साथ में डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, फिर डालेंगे हम इसमें हरा धनिया, हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी धनिया पाउडर और इसमें डालेंगे नमक। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूंथ लेंगे, एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए, अच्छे से थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़ा लग रहा है। फिर इसको अच्छे से सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। देखिए, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको प्लेटफॉर्म में या तो चॉपर में निकाल लेंगे। फिर इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। फिर इसकी 4 लोई बना लेंगे। फिर इसको हम सूखा आटा लगा के इसको हम बेल लेंगे। पराठा के लिए जैसे बेलते हैं ना, उसी तरह बेल लेंगे। इस तरह से करके बेल के हम सभी को तैयार कर लेंगे। देखिए, बहुत इजीली बिल जाता है। इजीली इस तरह से आप प्याज पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। इतना इस तरह से बना के तैयार करेंगे। फिर तवा गरम करेंगे, इसमें हम डाल देंगे पराठा को। फिर एक साइड से थोड़ा सा सेकने देंगे, फिर पलट देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे घी या तेल। मैं तेल डाल रही हूँ। फिर इसको उलट पलट करके दोनों साइड से तेल या घी डाल देंगे। फिर दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। देखिए, अच्छे से घी या तेल लगाने के बाद इसको अच्छे से उलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, अच्छे से सेक गया है। अब हम इसको उलट पलट करके दोनों साइड से सेकने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरह से आप झटपट से प्याज के पराठा बना सकते हैं। अब मैं ले ली हूँ थोड़े से टमाटो केचप, जो सॉस है, साथ में इसको पराठा को हम गर्म गर्म निकाल लेंगे। और साथ में हम चाय भी मैं बना दी थी। चाय की रेसिपी अगर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में हम ये रेसिपी को इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से आप भी ब्रेकफास्ट में बना के तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद।